Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. I am Nathikali Gaur in front of you. Welcome to our chemistry class. आज हम डिस्कस करेंगे अपनी क्लास के अंदर समरी के अंदर दो टॉपिक्स जो कि है न्यूक्लिक एसिड के हमें डिस्कस करना है कि न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं, ठीक है, इनकी टाइप्स क्या होती हैं, ये कहाँ से आते हैं, और दूसरी बात हमने इनके इंपॉर्टेंस को भी डिस्कस करना है कि किस चीज़ के लिए पढ़ते हैं। और सेकेंड टॉपिक जो हमारे पास है वो है अबाउट विटामिन्स, के विटामिन्स क्या होते हैं, उनकी टाइप्स क्या है, हमने इस वीडियो में डिस्कस करना है। बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड की। व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड? न्यूक्लिक एसिड बेसिकली हमारे पास बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स का, जब हमारे पास एक लॉन्ग चेन बनाई जाए न्यूक्लियोटाइड्स की, वो हमारे पास कहलाता है न्यूक्लिक एसिड। अच्छा, ये होता कहां पर है? ये न्यूक्लिक एसिड हर जानदार के, हर सेल के अंदर होता है। आप जैसे पढ़ते होंगे, आपने क्लास 8 तक पढ़ा होगा साइंस के अंदर, इस तरीके से हर जानदार किससे बना है? सेल से मिलकर बना है। और हर सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस। उस न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड मौजूद होता है। तो मतलब है कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? सेल होता है। और ये हमारे पास बहुत ज्यादा असेंशियल यूनिट, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। अगर ये नहीं होगा तो कोई जानदार नहीं होगा, ठीक है। ये क्या होता है हमारे पास? सेल था, ये बेसिकली बना होता है न्यूक्लियोटाइड्स के लॉन्ग, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिले होते हैं आपस में, जैसे वो ये न्यूक्लियोटाइड है, ये न्यूक्लियोटाइड है, ये न्यूक्लियोटाइड है, आपस में एक चेन बना रहे हैं, आपस में मिले हैं, तो ये मिलके मेरे पास क्या बनाएंगे? एक न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर अगर लॉन्ग चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होंगे तो वो न्यूक्लिक एसिड बनाएंगे। अब न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं हमारे पास? वो छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब वो मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं? वो मॉलिक्यूल्स बेसिकली, उनके मॉलिक्यूल्स की कंपोजिशन में सिर्फ तीन पार्ट्स होते हैं। क्या पार्ट है भाई? सबसे पहले कोई ना कोई नाइट्रोजीनियस बेस होती है। नाइट्रोजीनियस बेस हमारे पास, उससे कोई ना कोई मौजूद होती है, एक नाइट्रोजीनियस बेस बनाई होती है हमने न्यूक्लिक न्यूक्लियोटाइड से, जिसके साथ पेंटोज शुगर। पेंटोज मतलब क्या होता है? आपको हमने पढ़ाया था पेंट मतलब 5, तो पेंटोज मतलब है जिसके अंदर 5 कार्बन होंगे, वो शुगर जिसके अंदर 5 कार्बन हो वो शुगर होती है। और क्या होता है? फॉस्फेट, उसके फॉस्फेट ग्रुप होता है। एक नाइट्रोजीनियस बेस के साथ पेंटोज शुगर एक तरफ और एक तरफ फॉस्फेट ग्रुप लगा हो तो हम उसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। इस तरीके से बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलेंगे हमारे पास, वो क्या बनाते हैं? वो न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। तो बेसिकली हमारे पास जो न्यूक्लिक एसिड है वो है दो किस्म के, एक होता है डीएनए, एक होता है आरएनए। आपने नाम सुना होगा ये, लेकिन आपको पता नहीं होगा किस तरीके से डिटेल के अंदर ये होते हैं। आज हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में। डीएनए बेसिकली क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड क्या है इसकी? डीएनए की फुल फॉर्म है, जबकि आरएनए ग्रुप क्या? राइबोन्यूक्लिक एसिड होगी। आपने नाम सुना होगा, आपने मूवीज देखी होंगी, आपने ड्रामास फिल्म देखी होगी, उसमें क्या होगा? डीएनए का वर्ड आपने काफी ज्यादा सुना होगा, लेकिन आरएनए क्या होगा आपने कम सुना होगा। ये डीएनए बेसिकली होता क्या है, किस तरीके होता है, इसको डिस्कस करते हैं। डीएनए हमारे पास क्या होता है? एक डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है इसका। किस तरीके का? आपने अगर कभी मूवीज वगैरह में देखा हो तो इस तरीके का आपने एक स्ट्रक्चर देखा हो सकता है, बनाया हो, जो हमारे पास साइंटिस्ट वगैरह की जो मूवीज बनाई जाती है उनके अंदर इस तरीके का स्ट्रक्चर क्या होता है बनाया जाता है, जो बायोलॉजिकल रिसर्चेस कर रहे होते हैं हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास इस तरह का स्ट्रक्चर उन्होंने डबल हेलिक्स बनाया होता है और सेंट्रल यू, मतलब यू है कि सेंट्रल है, तो डबल हेलिक्स हमारे पास, डबल दो स्ट्रैंड्स आपस में हेलिक्स की फॉर्म में, हेलिक्स बोलते हैं इसको, ये एक दूसरे के ऊपर बल खाए हुए, ठीक है, उसकी फॉर्म हमारे पास होता है डीएनए मौजूद है। काम क्या होता है इसका? काम होता है स्टोर एंड कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन। अब ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या होता है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन बेसिकली हमारे पास हर सेल की अपनी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, हर इंसान की, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो जिंदा है उसकी अपनी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। एग्जांपल अगर मैं प्लांट की बात करूं, उसकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या है भाई? प्लांट्स का क्या होता है? थारोफिल बनाते हैं, तो ये क्या जेनेटिक इंफॉर्मेशन? प्लांट्स का रंग क्या है? ग्रीन, तो क्या जेनेटिक इंफॉर्मेशन है? इस तरीके से मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरे इंफॉर्मेशन की बात करूँ, मेरे हेयर्स अगर सिल्की है, ठीक है, मेरे हेयर्स अगर रेशमी है तो क्या है भाई? जेनेटिक इंफॉर्मेशन है। मेरे सॉफ्ट हेयर्स हैं, ठीक है, या फिर मेरे हार्ड हेयर्स हैं, या मेरी आईज का कलर ब्लू है, तो क्या ये सब मेरे पास? ये तमाम जेनेटिक इंफॉर्मेशन है जो हमारे पास मेरे डीएनए में होगी। इस तरीके से आपका डीएनए कुछ और होगा, उसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन कुछ और होगी। इस तरीके से किसी का अगर छोटा होता है तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन के अंदर क्या होता है? उसकी जो जीन्स होते हैं वो क्या होते हैं? छोटे होते हैं, उनके कद छोटे वाले जीन्स होते हैं, ठीक है। तो हर किसी की जो करेक्टरिस्टिक बाहर में नजर आती है वो डिपेंड करती है उसके जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो सेल के अंदर होता है। तो जो डीएनए ये क्या करता है, वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन
जो हमारे पास हमें नजर आती है कि भाई इसकी स्किन कलर अगर ब्लैक है तो उसकी ब्लैक है, अगर गंदुमी है तो उसका कलर क्या होगा, जेड इंफॉर्मेशन गंदुमी वाली है, अगर व्हाइट है तो व्हाइट। तो तमाम इंफॉर्मेशन क्या होती है इस डीएनए के अंदर की। और ये क्या करता है, ये सिर्फ स्टोर नहीं करता बल्कि कैरी करता है। कैरी का मतलब होता है आगे पहुंचाना, किस तरीके से भाई। अब देखो हमें क्या, हम बोलते ना हमें नस्ली तौर पर कुछ होता है, बीमारियां आती हैं, बीमारियां ना भी आए तो बोलते ना मेरा कद अगर छोटा तो मतलब है कि मेरे पेरेंट्स अगर भी किसी का छोटा हुआ, वहां से ट्रेट आया मेरे पास, वहां से इंफॉर्मेशन आई है, मैं अपने पेरेंट्स की वजह से। अब देखो किसी का पेरेंट्स होते हैं कि फैमिली उनकी सारी हेल्दी होती है, हालांकि वो कुछ खाए ना खाए, तो ये जेनेटिकली इनके पास होता है, ये ट्रेट आता है। तो क्या करता है, जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, मोटा होना भी है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। एक होता है खाना खा के मोटा होना, एक होता है हमारे पास पहले से ही मोटा होना। तो हमारे पास किसी का हेल्दी होना क्या जेनेटिक इन्फॉर्मेशन हमारे पास हो सकती, जो कि फैमिली से अक्सर आप लोग देखते भी होंगे। तो क्या कि हमारे पास ये सिर्फ स्टोर नहीं करता बल्कि कैरी भी करता है आगे, पेरेंट से डॉटर से। इसी तरह डॉटर से मतलब होता है हमारे पास जो आने वाली नस्ल है, औलाद है, उस औलाद का क्या होता है, वो ट्रांसफर होता है। ऐसे बोलते हैं भाई एक बीमारी थैलेसीमिया से, आप नाम सुना होगा थैलेसीमिया का, ये क्या हुआ हमारे पास, हीमोफीलिया हो गया, एनीमिया हो गया, ये क्या होता है हमारे पास, ये पेरेंट से आगे नस्ल में आते हैं अपने बच्चों को होता है। क्लियर हो गई बात, क्या होता है हमारे पास जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है जो क्या आगे जाती है। इस तरीके से कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन जैसे भाई उनके बाल का जो बाल है वो क्या है, सॉफ्ट है, तो क्या होगा ये इन्फॉर्मेशन भी जा सकती है आगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या, अच्छा ये बनना जब डीएनए होता है, देखो न्यूक्लियस बना होता है हमारे पास नाइट्रोजीनियस बेस, ठीक है, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट। हमारे पास ये बेसिक स्ट्रक्चर न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लिक एसिड का, ठीक है। अब ये हमारे पास जो न्यूक्लिक एसिड है इसमें जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं उनमें पेंटोज शुगर की जगह क्या होता है हमारे पास, डीऑक्सीराइबोज शुगर, बाकी सब कुछ वही होता है, डीऑक्सीराइबोज शुगर, नाइट्रोजीनियस बेस और फॉस्फेट। जबकि आरएनए में क्या होता है, राइबोस शुगर, नाइट्रोजीनियस बेस और फॉस्फेट। अब बात करते हैं आरएनए की, कि आरएनए क्या होता है। जैसा मैंने बताया आपको आरएनए के फॉर्म में राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये सिंगल स्ट्रैंड होता है। देखो इस तरीके से डबल स्ट्रैंड नहीं, ये कुछ यूं होता है, सिंगल स्ट्रैंड हमारे पास एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ये एक सिंगल स्ट्रैंड हमारे पास स्ट्रक्चर होता है, ये कुछ यूं बना होता है, लेकिन ये डबल स्ट्रैंड नहीं होता, ठीक है। दूसरी बात हमारे पास ये काम करता है, ये हमारे पास जो डीएनए तो है वो क्या करता है, स्टोर करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को, ये क्या करता है, यूज करता है, ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को यूज करता है और प्रोटीन बनाता है। बहुत सारे किस्म की प्रोटीन होती है हमारे पास, हमारे बालों में अलग प्रोटीन होती है हमारे पास, हमारे स्किन के अंदर अलग प्रोटीन होती है, तो हर टाइप की प्रोटीन क्या होते हैं, ये आरएनए बनाता है। इट इज या मैं ये बोलूंगा हमारे पास ये क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ काम ये है प्रोटीन बनाना बस। इट वर्क्स इज टू यूज जेनेटिक इंफॉर्मेशन एंड मेक प्रोटीन, और कोई काम नहीं। ये था हमारे पास न्यूक्लिक एसिड की दो टाइप्स। इंपॉर्टेंस क्या है, क्या फायदे हासिल होते हैं न्यूक्लिक एसिड से, क्या इसकी इंपॉर्टेंट हमारी जिंदगी के अंदर है। पहली बात मैंने आपको सबसे पहले बताया कि हमारे पास ये क्या है, एसेंशियल यूनिट है, अगर ये नहीं होगा तो इंसान या कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होगा, ठीक है। दूसरी बात और फायदे क्या होते हैं, ये हमारे पास जो न्यूक्लिक एसिड है इनको हम यूज करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, एक फील्ड है, इस फील्ड में क्या करते हैं, इस फील्ड के अंदर आप कोई जानदार चीजों से आप क्या करते हैं, मेडिसिन निकालते हैं, मेडिसिन नहीं निकालते तो आप मेडिसिन निकालने के साथ साथ आप बहुत सारे काम भी करते हैं, वैक्सीनेशन वैक्सीन बना सकते हैं आप, उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप यूज करके इनके बहुत सारे ट्रीटमेंट्स भी करा सकते हैं। उसके अलावा आप जैसे अगर हम बात करें, नाम सुना हो ना सुना हो क्लोन्स के बारे में, क्लोन्स बेसिकली क्या होता है, आइडेंटिकल ट्विंस बनते हैं हमारे पास आर्टिफिशियली, तो वो काम होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हैं। वो क्या यूज करते हैं, हम न्यूक्लिक एसिड को यूज करते हैं डीएनए को। और आपको अच्छे तरीके से देखो भाई डीएनए किसके लिए होता है, आपने सुना होगा ना, तो कोई एक्सीडेंट हुआ है, कोई प्लेन क्रैश हुआ है, तो क्या करते हैं डीएनए मैच किया जाता है। ये डीएनए मैच क्या करता है, आइडेंटिटी देता है, ठीक है। तो हम आइडेंटिफिकेशन के लिए भी क्या करते हैं, न्यूक्लिक एसिड को यूज करते हैं। उसके अलावा बहुत सारे डिजीजेस जैसे एनीमिया हो गया, हीमोफीलिया हो गया, थैलेसीमिया हो गया, इनके ट्रीटमेंट के लिए भी हम इंपॉर्टेंट है। कैसे भाई, देखो ये बीमारियां लगती किसके ऊपर है, न्यूक्लिक एसिड के ऊपर। अगर मैं न्यूक्लिक एसिड किसी का चेंज कर दूं तो क्या हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। किसी को एनीमिया है, मैं उसका न्यूक्लिक एसिड चेंज कर दूं तो क्या हो जाएगा, वो एनीमिया से खत्म हो जाएगा। जब एनीमिया खत्म हो जाएगा उसके जो उसके आने वाली औलाद है, जो नस्ल है उसकी, उसमें भी क्या होगा, एनीमिया नहीं होगा। वरना अगर हम एनीमिया किसी को है तो ये एनीमिया, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, एड्स,
ये सब वो बीमारियां जो क्या होती है आने वाली नस्ल में क्या होती है फैलती। तो न्यूक्लियोटाइड अगर हम जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से क्या करें हटाकर अच्छे वाले हेल्दी लगाएं तो क्या होगा हमारे पास जो मैच कर जाए तो क्या होगा हमारे पास वो बंदा हेल्दी हो जाएगा और उसकी नस्ल हो जाएगी हेल्दी। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है विटामिन। विटामिन क्या होता है हमने पढ़ा अभी तक किसके बारे में भाई प्रोटीन पढ़ लिया हमने लिपिड्स पढ़ लिया कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिया न्यूक्लियोटाइड पढ़ लिया इस तरीके से सब क्या हमारे लिए जरूरी है। इनके साथ साथ हमारे पास विटामिन हमारे पास वो सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए स्मॉल अमाउंट के लिए जरूरत है वो हमारे पास सब्सटेंसेस जो कि हमारी बॉडी को इन स्मॉल क्वांटिटी जरूरत होती है उनका बोलते हैं विटामिन। ठीक है विटामिन की दो टाइप्स है एक होता हमारे पास फैट सोल्युबल विटामिन एक होता हमारे पास वाटर सोल्युबल विटामिन। फैट सोल्युबल विटामिन आपने नाम दो नाम से मालूम हो जाएगा वो विटामिन जो कि डिसॉल्व हो जाए सोल्युबल हो जाए किसके अंदर भाई फैट्स के अंदर। Vitamins which can dissolve in fats are called fat-soluble vitamins. Okay, water level का जो हमारे पास वो विटामिन जो कहाँ dissolve होते हैं वाटर के अंदर उनके ना difference है। जब हमारे पास जो विटामिन मौजूद हैं उनमें से कौन कौन से फैट सोल्यूबल हैं कौन कौन से वाटर सोल्यूबल हमने क्या कर दिया वो दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया ए विटामिन ए विटामिन डी विटामिन ई और विटामिन के ये चार विटामिन के हमारे पास फैट सोल्यूबल विटामिन कहलाते हैं जिनको हम याद करते हैं ए डी ई के आर फैट सोल्युबल विटामिन। जबकि जो बचे हमारे पास विटामिन बी एंड विटामिन सी सिर्फ दो विटामिन ये दो विटामिन सी होते हैं हमारे पास वाटर सोल्युबल विटामिन कहलाते। अच्छा इनमें क्या क्या और फर्क होता है भाई और फर्क हमारे पास होता है भाई ये विटामिन ए डी ई और के जो है हमारे पास हम बोलते हैं फैट सोल्युबल विटामिन अगर हम इनको लार्ज क्वांटिटी में ले लें तो ये हमारे नुकसान दें कैसे भाई अगर हम इनको लार्ज क्वांटिटी में लेना हमारे पास बॉडी में क्या हो जाएंगे एक्यूमुलेट हो जाएंगे। एक्यूमुलेट का मतलब होता है वहां पर रुक जाएंगे जमा हो जाएंगे अब जब जमा होंगे तो क्या करेंगे बॉडी को नुकसान देंगे। दीज आर टॉक्सिक विटामिन ये स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए जितना चाहिए आप उतना यूज करें बाकी क्या कर दें इसको एक्सक्रीट आउट कर लें। ठीक है इसलिए क्या होता है हम भाई नॉर्मली जितना चाहिए होता है उतना ही क्या करते यूज होते हैं। एग्जाम्पल तो मैं विटामिन डी लेट्स सपोज मैंने कहा विटामिन डी ज्यादा ले लिया जो कि कहां से मिलता है सूरज से मिलता है अब वो क्या करता है बोन्स के लिए होता है हेल्पफुल होता है। अब क्या हो मेरे विटामिन डी बहुत ज्यादा मेरे पास आ गई जब विटामिन डी ज्यादा हो जाएगा तो मेरी बॉडी में एक्यूमुलेट होगा जब बॉडी में एक्यूमुलेट होगा तो मेरे बॉडी के बोन्स में पेनिंग स्टार्ट हो जाएगी सीवियर पेन होंगे उसके अलावा मेरे बोन्स वो हो जाएंगे बहुत सख्त हो जाएंगे उसके अलावा मूव करने में तकलीफ पेश होगी हार्ड हो जाएगी। ठीक है तो लार्ज क्वांटिटी में अगर आ जाएंगे तो हमारे पास क्या करते हैं ये नुकसान देती है। जबकि वाटर सोल्युबल क्या होते हैं ये नॉन टॉक्सिक होते हैं क्यों भाई इनका ये हमारे पास कि ये एक्युमुलेट नहीं होती ये जमा नहीं होती आप बेशक अगर ज्यादा ले लो ये क्या होती है आपकी बॉडी में एज अ वाटर सोल्युबल है ना तो क्या होती है वाटर के साथ क्या होती है एक्सक्रीट आउट हो जाती है। दीज आर नॉन टॉक्सिक एंड एक्सक्रीट रैपिडली जल्दी से क्या होती है बॉडी से बाहर निकल जाती है अगर इनको लार्ज क्वांटिटी में हम ले। ये था जो टॉपिक हमने डिस्कस करा अबाउट न्यूक्लिक एसिड बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था डीएनए आरएनए के बारे में डिस्कस करा इनके क्या क्या फायदे हैं कहां पर हम इनको यूज करते हैं किस के लिए हमारे हेल्पफुल करते हैं हेल्प में हमारे लिए हेल्प करते हैं उसके अलावा विटामिन क्या होते हैं विटामिन के दो टाइप्स कौन से हमने इनको डिस्कस करा। आज तक के लिए इतना ही इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ जब तक के लिए अल्लाह।